मेरे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीजें आप देख रहे हैं, जो पहाड़ जमीन सब देख रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग वो हिस्सा जहां पर मैं इस समय चल रही हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल समानांतर दो पहियों के दौड़ने का निशान है, एक रथ के दौड़ने के निशान आप इसे कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पर आगे जो जानकारी भी दे रखी है उसके अनुसार ये लिखा है कि मान्यता के हिसाब से कृष्ण जी के रथ के पहिए यहां से होकर गुजरे थे, और अभी भी यह शोध का विषय है कि क्या ये चैरियट व्हील से बने हुए निशान हैं या नहीं। ये केवल मान्यता नहीं, ये पुरातत्व के शोध से साबित हो चुका है कि चट्टान में तराशे हुए ये निशान रथ के पहिए के हैं। देख के तो लगता है जैसे कि शायद कोई रथ यहां से गुजरा हो और उसके लिए शोध करना पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे पूरा खुदाई हुई है एक्सकवेशन के बाद मिट्टी हटाकर ऐसा दिखा है? ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, तो इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए, उसी रथ का ये निशान है। किंवदंतियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इसी रास्ते से होके गए हैं, और ऐसे भी देखने से लगता है कि किसी पहिए का निशान ये है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है कि रथ चक्र का ही निशान है, और ये किसका निशान ये नहीं शोध का विषय है, लेकिन तो पता लगाना भी मुश्किल होगा जी। लेकिन ये है कि प्राचीन निशान है ये, बिल्कुल प्राचीन निशान है, ईसा पूर्व का ये निशान है, 5000 वर्ष पहले का ये निशान माना जा रहा है। खुदाई के बाद इसको ये चीज यहाँ पर इतना हिस्सा दिखा, 50 वर्ष पहले इसकी खुदाई की गई, पहले थोड़ा दिखता था, लेकिन अब खुदाई करके पर्यटनों के लिए ये साफ किया गया है ताकि लोग आए देखें, और काफी संख्या में पर्यटन इसे देखने के लिए आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहिए का निशान यह है, चक्के का निशान। तो क्या ये मुमकिन है कि हजारों वर्ष पहले जब मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से युद्ध के लिए अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण यहाँ आए, तभी इन पहियों के निशान बने हों? अब चाहे इस सवाल का जवाब हाँ हो या ना, इतना तो साफ है कि इसका संबंध जरासंध के समय से है। यहाँ पहाड़ियों की श्रृंखला और गुफाओं की श्रृंखला, उसके बारे में क्या चीजें सामने हैं? देखिए मैडम, राजगिरी पंच पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। अभी जहाँ पर हम लोग हैं वो पंच पहाड़ियों के बीच में है, और इसका इतिहास काफी पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि हिमालय के पहाड़ से 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पहाड़ियां हैं, तो इसी से अंदाजा लगाया। किसी शोध के आधार पर कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि शोध के अनुसार ही ऐसा हुआ है कि 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पंच पहाड़ियां हैं, तो स्वाभाविक है कि हिमालय से हमारा पहाड़ काफी पुराना है। तो एक इतिहास और भी है कि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कई इतिहास यहाँ मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का सारा बहुत सारे इतिहास राजगीर में मिलता है। जरासंध के समय के और भी प्रमाण आज भी इस क्षेत्र में संरक्षित हैं। हमें बताया गया कि स्वर्ण भंडार से चंद कदम की दूरी पर वो जगह है जहां जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध हुआ था। हम वहां पहुंचे तो हमारी नजर पुरातत्व विभाग के एक बोर्ड पर पड़ी। इस पर जरासंध के अखाड़े से जुड़ी जानकारी दर्ज थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए इतिहास की कुछ तारीखों को भी सुलझाने की आवश्यकता है। ये देखिए, जहां पर मैं इस समय हूं, ये जरासंध अखाड़ा कहा जाता है, पर इसे अखाड़े के तौर पर नहीं, इसे युद्ध भूमि के तौर पर समझिए, क्योंकि यही जगह ये बताई जाती है कि जहां पर जरासंध और भीम के बीच वो निर्णायक युद्ध हुआ था। यानी कि ये उस दौर की बात हो गई जब कृष्ण जी भी पृथ्वी पर थे। अब इसी हिस्से को अब मैं पलट कर आपको दिखाऊं तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में आपको वो गुफा नजर आएगी जिसे स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। अब वो स्वर्ण भंडार अगर वाकई जरासंध का जो खजाना हुआ करता था, अगर ये सही माना जाए, तो इन दो जगहों के इतिहास को सीधे एक तौर पर जोड़ा जा सकता है। यहाँ की मिट्टी बताई जाती है कि इस भूमि को दूध से सींचा जाता था, इसीलिए भले ही बाकी के हिस्सों में आपको थोड़ी लालिमा नजर आएगी मिट्टी में, लेकिन यहाँ की मिट्टी में आपको थोड़ा सफेदी नजर आएगी। हालांकि ये भी बताया जाता है कि समय के साथ ये अब
बहुत सामान्य दिखने लगी है, लेकिन एक समय पर ये सफेद हुआ करती थी। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं, इन सभी जगहों को संरक्षित रखा गया है उस रूप में जैसा कि ये पौराणिक काल में, इतिहास में सदियों सदियों पहले, हजारों सालों पहले कहें तो हुआ करती थी।